लखनऊ नाका थाना अंतर्गत बेखौफ चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए बीती रात घनी आबादी के बीच दुर्विजयगंज झंडे वाले चौराहे पर स्थापित पंच परमेश्वर मंदिर का शीशा तोड़कर सारे रुपये पैसे निकालकर चंपत हो गए। ज्ञात हो कि इसी में एक वर्ष पूर्व चोरी हो चुकी है। उस वक्त चोर भगवान के गहने अस्त्र शस्त्र चोरी कर ले गए थे। पुलिस मौके पर पहुंचकर चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल करते हुए आगे की कार्यवाही में जुट गई। सुबह जो है करीब हमको 7 बजे पता चला है कि मंदिर में चोरी हो गई। क्या सब कैश गया है? इससे पहले चोरी हुई थी तो सब सोने का सामान गया था, करीब 40-50 हज़ार रुपये का सामान गया था। इंस्पेक्टर दुबे जी थे, उन्होंने वर्क किया था, कहा था कि जो है 2 मुलजिम पकड़ लिए गए हैं आर्या नगर के। लॉकडाउन लगा है जी, इसमें क्या आपको लगता है? अब क्या लगता है, जिसको पैसे की ज़रूरत होगी वही तोड़ के ले गया होगा, कोई चोरी होगा। क्या इससे पहले भी कितनी बार और चोरी हुई है? इससे पहले जो है 2 बार चोरी और हो चुकी है जी। पुलिस की गश्त कैसी है आप? पुलिस की गश्त तो ठीक है, मगर हम चाहते हैं यहाँ एक चौराहे पे एक ड्यूटी जरूर हो। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसकी जांच करी? उसकी जांच हो रही है, अभी जो निकालता है फोटो वो आ रहा है। उसकी जांच से आपने बातचीत की, क्या लगता है? उन्हें आश्वासन दिया है पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे जी। अगर नहीं करेंगे तो एक महीने। पर्चे दे दिए क्या? मैं राजेश गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंदिर का।